नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज का क्लास है ग्रेड 3 हिंदी ट्यूटोरियल। आज का सेशन है हिंदी हैंडराइटिंग क्लास। और रीडिंग प्रैक्टिस आल्सो चिल्ड्रन। एंड देन आपका ब्रॉडलाइन नोट में हिंदी अक्षरों को कैसे लिखना, इसे हम आज का क्लास में देखने चाहते हैं। इसलिए आज का क्लास को आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। टुडेज सेशन चिल्ड्रन हिंदी हैंड राइटिंग क्लास एंड रीडिंग प्रैक्टिस आल्सो। सो हाउ टू यू राइट हिंदी लेटर्स इन योर ब्रॉडलाइन नोट एंड हाउ टू रीड द हिंदी sentence. Please children, listen the class carefully. Children, today I am going to teach one paragraph, how to write the paragraph and how to read the paragraph. Please listen carefully today's class children. Shall we start writing? Look at the board carefully. How to write the letters. First one, one paragraph children, one small paragraph. Please listen the board. Ek. First you write the letters, then you put the top of the line. Ek. Ta. Ta. Ek ta. Keshu. Ka. Ek ki matra symbol. के सु उ की मात्रा सिंबल के सु यू पुट द टॉप ऑफ द लाइन ऑन द ब्रॉड लाइन ओके चिल्ड्रन के सु दिस इज वन फुल स्टॉप देन ब व ह ब आपकी आ पा की आपकी आपकी आ पा की आपकी आपकी तरह यू लिव इट ऑन लाइन चिल्ड्रन लिव ऑन राइट ओके आपकी तरह ही आपकी तरह ही पार्क में पा का दिस इज ए रा सेमी कॉन्सोनेंट्स पार्क में खेलने जा रहा था दिस इज वन लेसन चिल्ड्रन सो आई टेक वन स्मॉल पैराग्राफ ओनली सो यू look at the board carefully how to write the words okay usne pu sa ne usne dekha usne dekha कुछ लड़के साइकिल दिस इज साइकिल लेसन साइकिल
यू ऑल्सो टेक प्रैक्टिस चिल्ड्रन हाउ टू राइट डाउन पैराग्राफ इन अवर ब्रॉड लाइन नोट. साइकिल चला रहे थे. साइकिल चला रहे थे. साइकिल चला रहे थे. दिस इज हियर वन फुल स्टॉप. देन उन्हें देखकर उन्हें देखकर केशु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा या हियर वन स्मॉल पैराग्राफ. नाउ आई रीड दिस पैराग्राफ, प्लीज लिसन. एक ता केसु ये ता केसु. नेक्स्ट वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था. उसने देखा कुछ उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे. उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे. उन्हें देखकर केशु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा. उन्हें देखकर केशु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा. अगेन आई रीड दिस पैराग्राफ.
एका केसु वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था। उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा। मैं उसी पैराग्राफ को एक लाइन छोड़कर मैं लिखने जा रही हूँ। अगेन आई राइट द सेम पैराग्राफ। लीव द लाइन चिल्ड्रन प्लीज लिसन केयरफुली। या हियर आई एम स्टार्टिंग द पैराग्राफ। ए था केसु यार वन फुल स्टॉप। ये था केसु। आई लिव दिस लाइन। वह आपकी तरह वह आपकी तरह ही आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था। खा के ला ने खेलने जा रहा था। जा रहा था। Children, this is not a English, this is a Hindi. You write one letter, children. Then you put the top of the line. Okay, ba? That is one word. एकता केसु वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था। नेक्स्ट उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। आई लिव दिस लाइन। उसने देखा कुछ लड़के कु का प्लस पू की मात्रा सिंबल कुछ लड़के ला डा के लड़के दिस इज प्लूरल लड़के। उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। साइकिल चला रहे थे। उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। चिल्ड्रन अगेन आई रीड दिस सेंटेंस एंड आई टेल द मीनिंग। एक था केसु। वन वाज केसु। केसु मीन्स वन बॉय नेम। वन वाज केसु वह आपकी तरह he park this is a ra semi consonants so how to read this letter how to read the semi consonants letters children yeah you give dot pronunciation so pa ir ka park va
आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था. दिस इज योर वन वर्ड एंड दिस वन वर्ड, दिस वन वर्ड, दिस वर्ड्स आर वन सेंटेंस. ओके, दिस इज योर फुल स्टॉप. जा रहा था, उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे. कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे. एक था केसु, वन वास केसु, वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था. He was going to play in the park like that you. உங்களை போன்ற கேசுவும் பார்க்குக்கு சென்று விளையாட சென்றான், பார்க்கில் விளையாட சென்றான். உஸ்னே தேக்கா, அவன் பார்த்தான், குச் லடுக்கே, சில மாணவர்கள் சைக்கிள் சலா ரஹேதே, சில பையன்கள், குச் லடுக்கே மீன்ஸ் பாய்ஸ், சம் பாய்ஸ் ரைடிங் எ பைசைக்கிள். ஓகே, he saw, usne dekha, he saw some boys, kuch ladke, some boys cycle chala rahe the, riding a bicycle. Avan paarthan, sila payyangal cycle ootuvadai avan paarthan. Ek tha kesu, oruvan kesu, bah aapki tarak hi பார்க்கு மே கேல்னே ஜா ரஹாத்தா, உங்களை போன்று பார்க்கில் சென்று விளையாட நினைத்தான். உஸ்னே தேக்கா குச் லடுக்கே, அவன் பார்த்தான், சில பையன்கள் சைக்கிள் சலா ரஹேதே, சைக்கிள் ஓட்டுவதை அவன் பார்த்தான். ஆர் யூ கிளியர் திஸ் சென்டென்ஸ் சில்ட்ரன், ஹவு டு ரைட் இன் ப்ராட் லைன் நோட் அண்ட் ஹவு டு ரீட் திஸ் சென்டென்ஸ்? I hope children you know well vowels and the consonants. These all only consonants and letters and you join the symbols. Okay, are you clear? Now next sentence. Now I write this sentence children. Again I write next sentence. Okay, are you clear this sentence? How to write this words and how the read? Are you clear children? Please you to write the paragraph, how to write the paragraph. You write neatly. Okay children, leave the line and leave the two finger gap, one word and another word, you leave two finger gap, and one line another line you leave it one line gap. Okay children, okay, now I'm going to write next sentence. Unhe dekha hu in he, unhe dekha de ka ka रा, उन्हें देखकर केसु का मन भी केसु का मन भी आई लिव इट दिस लाइन चिल्ड्रन, यू आल्सो लिव वन लाइन. केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा. केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए चलाने के लिए
चलाने, साइकिल चलाने के लिए लिए, साइकिल चलाने के लिए मच्छल उठा, मच्छल उठा, उठा साइकिल चलाने के लिए मच्छल उठा। उन्हें देखकर, उन्हें उन्हें देखकर, देखकर का रा देखकर केसु का, केसु का मन भी, मना मन भी साइकिल चलाने, साइकिल चलाने, चलाने के लिए, लिए मचला, मच्छल उठा, उठा। उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा, उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा। केसुस माइंड आल्सो एक्साइटेड फॉर साइकिलिंग सीइंग देम, केसुस माइंड आल्सो एक्साइटेड फॉर साइकिलिंग सीइंग देम। उन्हें देखकर केसु का मन भी, அவங்களை பார்த்து கேசுவோட மனசும் சைக்கிள் சலானேக்கே லியே சைக்கிள் ஓட்டுவதற்கு மச்சல் விட்ட, அவனுக்கும் ஆசை வந்துச்சு. அவங்கள பார்த்ததும் சில பையன்கள் கிரவுண்டில் சைக்கிள் ஓட்டுறதை பார்த்ததும் கேசுக்கும் ஆசை வந்துருச்சு, நம்மளும் சைக்கிள் ஓட்டணும்னு கேசுக்கு ஆசை வந்துருச்சு. ஏக் தின், this is next paragraph children, ek dha, this is ek ki matra symbol, di na din, ek din kesu ne ka, ek ki matra symbol ke su sa, u ki matra symbol kesu ne, you put top of the line, kesu ne ने, केसु ने अपनी मम्मी से आ पा ना नी, ई की मात्रा सिंबल, अपनी अपनी मम्मी से, मा इम दिस इज सेमी कॉन्सनेंट्स, मा सेमी कॉन्सनेंट्स, सो यू रीड इम, मा इम मी, मम्मी मम्मी से, से एक ही मात्रा सिंबल, सा प्लस एक ही मात्रा सिंबल, से मम्मी से कहा, का हा कहा, मम्मी से कहा, एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा, क्या कहा, एक दिन दैट मीन्स वन डे, केसु ने, केसु वाज अपनी मम्मी, अपनी मम्मी मीन्स हिज मदर से कहा, वन दिन केसु टोल्ड हिज मदर, ஒரு நாள் கேசு அவன் அம்மாவிடத்தில் கூறினான், என்ன கூறினான் என்று பார்ப்போமா, மம்மி மா இம் मी, मम्मी मुझे भी, मू झा एक ही मात्रा सिंबल, मुझे भी साइकिल दिलाओ, मुझे भी साइकिल, सा ई साइकिल दिलावो, दी ला ओ दिलावो,
मुझे भी साइकिल दिलाओ। एक दिन केसु ने अपनी 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 माँ इम मी मम्मी से कहा कहा। एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा। नेक्स्ट वन डे केसु टोल्ड हिज मदर मा इम मी मम्मी। एक दिन केसु ने अपने मम्मी से कहा। लाइक दैट यू ऑल्सो रीड चिल्ड्रन। मम्मी मुझे 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 भी साइकिल। हाउ टू यू रीड दिस वर्ड चिल्ड्रन? फर्स्ट यू स्पेल द लेटर्स सा ई साई की ला किल साइकिल। लाइक दैट यू मेक वन वर्ड ओके। साइकिल दी दिस इज द लेटर एंड व्हाट इज दिस सिंबल? दिस इज ई की मात्रा सिंबल। सो द प्लस ई धी धी ला दिस इज आ के मात्रा सिंबल यू नो। सो धी ला धीला। व्हाट इज दिस सिंबल? दिस वन दिस इज ओ के मात्रा सिंबल। सो वो धी ला वो धीला वो। लाइक दैट यू रीड चिल्ड्रन। एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ। आर यू क्लियर चिल्ड्रन? चिल्ड्रन नाउ यू आर ऑन थर्ड स्टैंडर्ड सो यू वांट टू रीड फ्लुएंटली ओके। लिसन द बोर्ड केयरफुली हाउ टू रीड मी ओके चिल्ड्रन। यू टू रीड विथ मी उन्हे। सो यू डोंट नो दिस वर्ड। फर्स्ट यू रीड द स्पेल द लेटर्स वो this is na semi consonants letters na. So how to pronunciation this letters in? So u in this one ha. And what is this symbol? Which letter symbol this one? This is a ki matra symbol. So you know well children symbols also okay. This is a ki matra symbol. So ha plus a he un he un he dekh. What is this letter? Da. What is the letter? Da. And which the symbol? Which letter symbol this one children? A ki matra symbol. So da plus a de. This is consonant second letter. First line second letter. So ik ka kh kh ka ra. Dekhar. This is four letter words you know. So second letter and four letters also you should give that pronunciation. So dekhar kesu kesu ka unhe dekhar kesu ka. So you read first line okay. Next is second line ma na man bhi साइकिल सा ई की ला साइकिल चलाने चलाने चलाने। अगेन शैल वी रीड सेकंड लाइन मन भी साइकिल चलाने। नेक्स्ट थर्ड लाइन के लिए मा चला मचल ऊ उठा उठा। शैल वी रीड दिस सेंटेंस चिल्ड्रन? उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा। अगेन आई रीड दिस सेंटेंस प्लीज लिसन केयरफुली। हाउ टू रीड दिस सेंटेंस? उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा। आर यू क्लियर दिस सेंटेंस? हाउ टू रीड दिस सेंटेंस चिल्ड्रन? ओके नाउ सेकंड सेंटेंस
एक एक धी ना धिन दिस इज ध लेटर एंड ई की मात्रा सिंबल सो ध प्लस ई धी ना धिन एक धिन के सु ने अपनी आ पा नी अपनी मम्मी मा इम मी मम्मी से दिस इज सा लेटर एंड ए की मात्रा सिंबल सो सा प्लस ए से मम्मी से कहा कहा मम्मी से कहा मा इम मी मम्मी मुझे मुझे भी मम्मी मुझे भी साइकिल सो यू नो दिस वर्ड स्पेलिंग साइकिल दिलावो 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 अगेन आई राइट दिस सेंटेंस ये आई रीड दिस सेंटेंस एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा क्या कहा केसु अपनी मम्मी से एक दिन वन डे केसु टोल्ड हिज मदर मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ मम्मी मम्मी आई वांट टू साइकिल सो केसु वाओ व्हाट डू यू वांट हिज मदर साइकिल ओके एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा ஒரு நாள் கேசு அவன் அம்மாவிடத்தில் கூறினான் மம்மி முஜே பி சைக்கிள் தில்லாவோ அம்மா எனக்கும் சைக்கிள் கொடுங்க அப்படின்னு கேசு உங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்குறேன் ஓகே அகெய்ன் ஐ ரீட் திஸ் டூ சென்டென்ஸ் உன்னே தேக்கர் கேசு கா மன் பி साइकिल चलाने के लिए मचल उठा उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ आर यू क्लियर दिस टू सेंटेंस चिल्ड्रन कैन यू रीड दिस सेंटेंस लाइक दैट मी ओके उन्हें देखकर केसु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा चिल्ड्रन बच्चों तुम लोगों भी इसी तरह हिंदी पढ़ना मैं चाहती हूँ सो इसलिए आप लोग क्या करना इस क्लास को अच्छी तरह देखना ओके मचल उठा एक दिन केसु ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ ओके चिल्ड्रन नाउ next sentence next sentence children my bhi cycle sa e ki la my bhi cycle chalaunga चा ला ऊ इं गा मैं भी साइकिल चलाऊंगा मैं भी साइकिल चलाऊंगा नेक्स्ट मम्मी 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 भोली मम्मी क्या भोली भोली मम्मी क्या बोली मम्मी बोली अभी तो तुम बहुत छोटे हो अभी आ
भी, अभी तो, अभी तो तुम बहुत बा हा हु बहुत, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, छोटे हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा चलो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल दिला दूंगी। ओके चिल्ड्रन, नाउ रीड दिस सेंटेंस। मैं भी साइकिल चलाऊंगा। मैं माँ प्लस आई की मात्रा सिंबल, मैं भी भ प्लस ई की मात्रा सिंबल, भी मैं भी साइकिल चलाऊंगा एंड इट्स कॉल्ड अनुनासिक। चलाऊंगा चलाऊंगा, चलाऊंगा चलाऊंगा, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। मम्मी भोली भोली, मम्मी भोली अभी अभी तो, अभी तो तुम बहुत बहुत, अभी तो तुम बहुत छोटे छोटे हो, छोटे हो, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। अगेन आई रीड दिस सेंटेंस। मैं भी साइकिल चलाऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग? ஐ டூ ரைட் தி பைசைக்கிள், நானும் சைக்கிளை ஓட்டுவேன். மை பி நானும் சைக்கிளை சலாவுங்கா மீன்ஸ் ஓட்டுவேன், நானும் சைக்கிளை ஓட்டுவேன். ஐ டூ ரைட் எ பைசைக்கிள். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், மம்மி, மம்மி மீன்ஸ் மதர். மம்மி போலி, மதர் செட், அம்மா சொன்னாங்க अभी तो, इप्प नाउ, अभी तो नाउ तुम बहुत छोटे हो, नाउ यू आर ए स्मॉल बॉय, इप्पो नी चिन्न पैये। सो मम्मी क्या बोली, अब तुम बहुत छोटे बच्चे हो ना, इसलिए मम्मी बोली, मम्मी क्या बोली, मैं भी साइकिल चलाऊंगा, நானும் சைக்கிளை ஓட்டுவேன். மம்மி போலே, அம்மா கூறினால், அபிதோ இப்பவும் தும் பஹுத், நீ ரொம்ப சோட்டே ஹோ, சின்ன பையன், தும் பஹுத் சோட்டே ஹோ, இப்ப நீ சின்ன பையனாக இருக்க. ஸோ நவ் யூ ஆர் ஏ ஸ்மால் பாய். அகைன் ஷல் வி ரீட் தி சென்டென்ஸ் சில்ட்ரன். மை பி साइकिल चलाऊंगा, मम्मी बोली अभी तो तुम बहुत छोटे हो। ओके चिल्ड्रन, आर यू क्लियर? चिल्ड्रन, डू यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, हाउ टू राइट ए सेंटेंस इन ब्रॉड लाइन नोट एंड हाउ टू रीड द सेंटेंस? It's very easy children, reading also very very easy. You know well vowels and consonants. Okay, consonants namakku nalla therinjirundadna read pandrathu namakku romba easy children. Okay, so today's class over, you to read and write. You take one broad line note, you to taking a reading practice and writing practice also. Okay children, I hope you like today's class children. Okay, you too read like me. You save your home. Stay safe and stay home. Thank you. Bye bye.